दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जियो के अंदर नो नेटवर्क प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करें। अगर आपके जियो सिम में नो नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है और आप जियो सिम में नो नेटवर्क प्रॉब्लम को फिक्स करना चाहते हैं तो गाइस आप हमारी ये वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखें ताकि आपके स्मार्टफोन में जियो में नो नेटवर्क की प्रॉब्लम है या इंटरनेट इश्यूज़ हैं या किसी भी कारणवश से कहीं कॉल करते हैं तो ऑटोमेटिक नो नेटवर्क शो हो जाता है, मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है, इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। चलिए, ये कैसे किया जाता है गाइस, इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन पर जाना है। स्मार्टफोन के अंदर जहां कहीं भी सेटिंग हो आपको स्मार्टफोन के सेटिंग सेक्शन में जाना होगा। सेटिंग सेक्शन के अंदर यहां पर सर्च करना है आपको मोबाइल, और मोबाइल के अंदर मोबाइल नेटवर्क का जो सेक्शन होता है मोबाइल नेटवर्क सेक्शन पर आपको जाना होगा। मोबाइल नेटवर्क सेक्शन जैसे ही आप यहां से ओपन करेंगे, मोबाइल नेटवर्क सेक्शन के अंदर आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन आएंगे। तो मोबाइल नेटवर्क के अंदर एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन यहां पर हमें देखने को मिलता है एक्सेस पॉइंट नेम का। एक्सेस पॉइंट नेम से नीचे आता है नेटवर्क ऑपरेटर। नेटवर्क ऑपरेटर पर आपको इसको ऑटो नेटवर्क को सेलेक्ट करके रख ले। ऑटो नेटवर्क सेलेक्ट करके रखेंगे तो इससे बेनिफिट ये रहेगा कि आपके फ़ोन के अंदर ऑटोमेटिकली जो भी नेटवर्क रहेंगे आसपास के वो कनेक्टेड रहेंगे। और रोमिंग डेटा को ऑफ रखें, उसके बाद में 5G डेटास को यहाँ दोनों ही सिमों में ऑन रखें, और ऐसा करने से आपके फ़ोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम चली जाए ख़त्म हो जाएगी, नो नेटवर्क की जो प्रॉब्लम आ रही है। इसके साथ दोस्तों अब आप अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड में लगा कर एक बार चेक करें और उसके बाद में स्विच ऑफ़ करके स्विच ऑन करें। स्विच ऑन करने के बाद आपका फ़ोन जैसे ही ऑन होगा उसके बाद आपके फ़ोन में नेटवर्क आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप ट्राई करेंगे केवल एक ही सिम में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं या किसी भी सिम में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। अगर आपके में केवल जियो के अंदर ही नो नेटवर्क आ रहे हैं या जियो की सभी सिम जितनी भी लगा रहे हैं सभी में नो नेटवर्क आ रहे हैं, क्या आप ही के मोबाइल में आ रहे हैं या आपके सभी मोबाइलों में नो नेटवर्क आ रहे हैं। अगर जियो के सभी सिम में नेटवर्क आ रहे हैं सभी व्यक्तियों के में, लेकिन आपके में नहीं आ रहे हैं, तो आपको अपनी सिम को नज़दीकी रिटेल ऑपरेटर के पास जाकर रिप्लेस कराना है और आपके नो नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपके फ़ोन के अंदर किसी भी सिम में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं तो आप मदरबोर्ड वाले के पास जाइए, आईसी रिपेयर कराने पड़ेगी, आपको मोबाइल रिपेयर सेंटर पर जाना होगा और मोबाइल को रिप्लेस या चेंजेज कराएं, इसकी आईसी जल चुकी है और आपके फ़ोन की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये स्टेप फॉलो करिए, आप अपनी प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक फिक्स कर पाएंगे। आई होप गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।